फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन रो मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिलोसॉफी एंड एजुकेशन उपरे टॉपिक टी को आलोचना करिबा एवं एथिरे के प्रकार क्वेश्चन आसीबो मो सेगुडी को मध्ये आलोचना करिबि आ बेसिक कांसेप्ट क्लास एटा मो बुची एटा को ठीक से बुझिया पय चेष्टा करिबो मीनिंग ऑफ फिलोसॉफी फिलोसॉफी कहले कोन बुझो बा फिलोसॉफी का कह जाए फिलोसॉफी रो ओडिया होची दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी रो ओडिया होची दर्शन शास्त्र फिलोसॉफी कहले कोन बुझो ना फिलोसॉफी इज द स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स सच एज दोज कनेक्टेड विथ एक्जिस्टेंस नॉलेज वैल्यू रीजन माइंड एंड लैंग्वेज फिलोसॉफी होची ताहा जहाँ कि गोटे मौलिक तत्व उपरे मौलिक प्रॉब्लम्स को से स्टडी करी थाए एवं प्रॉब्लम्स रो मूलटा को से जानी थाए काहे कि ये प्रॉब्लम्स होची से प्रॉब्लम को समाधान करिया पई से बाट खोजी थाए एहा गोटे प्रकार नॉलेज गोटे प्रकार ज्ञान गोटे प्रकार विजडम जहाँ द्वारा व्यक्ति गोटे तार समस्या को ठीक से बुझी पारे एवं से समस्या समाधान करिया को चेष्टा करे एवं अन्य कहार जदि से समस्या टी होची से समस्या को ता सहित कंपेयर करि पारे एवं से समस्या कारण खोजी तार उपयुक्त समाधान करे जेमिति से समस्या आउ थरे न उपजे तो एटा होची तुमरो होची फिलोसॉफिकल माइंड फिलोसॉफी माने कोन गोटे नॉलेज गोटे विजडम गोटे ज्ञान जे ज्ञान कि सोसाइटी रे केमिति जने बंची पारिबो केमिति निजो को हैबिचुएट करि पारिबो आउ चेंजिंग सोसाइटी रो निजो को केमिति निजे मध्य परिवर्तन करि पारिबो निजो माइंड को परिवर्तन करि पारिबो निजर कॉग्निटिव डेवलपमेंट करि पारिबो ये सब प्रकार होची फिलोसॉफी तेउ करी नॉलेज पाई पारिबो वैल्यूज बुझी पारिबो मोरालिटी बुझी पारिबो एवं रीजन्स बुझी पारिबो एवं ता माइंड रे से गुडा को सब सेटअप करि पारिबो आ तार लैंग्वेज मध्य डेवलपमेंट हो ये समस्त जिनिस जदि आमे ओवरऑल भाबे चिंता करिबा ताहा गोटिए फिलोसॉफी रो पार्ट ताले फिलोसॉफी होची कोन ला लव ऑफ विजडम विजडम को से कोन करिबो विजडम होची ज्ञान विजडम होची कोन ज्ञान फिलोसॉफी इज द रेशनल अटेम्प्ट टू फॉर्मुलेट अंडरस्टैंड एंड आंसर फंडामेंटल क्वेश्चंस तार जो मौलिक क्वेश्चंस रहुचि ये सबको सी निज मन भितर गोटे क्वेश्चन तैयारी करि परबो एवं से क्वेश्चन लु से ताको समाधान करिया पई मध्य चेष्टा करबो सेले कहुचि फिलोसॉफी होची लव ऑफ विजडम विजडम माने होची नॉलेज तमने सी सबुबले नॉलेज को सबुबले ज्ञान को सबुबले तार कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने बुझी परतुओ जे जहा होची तुम्हारा सेंसेशनल डेवलपमेंट बा निजर बौद्धिक उन्नति करे तेन करी फिलोसॉफी होची गुटे कॉग्निटिवल डेवलपमेंट गुटे नॉलेज पाइबार दक्षता को आमे फिलोसॉफी कहितो फिलोसॉफी से लेखा जाइछि ता होची दर्शन शास्त्र से गुटे जिंस को देखिबो एवं ताको जजमेंट करिवो सेति पई तार नॉलेज डेवलपमेंट हेतिबा दरकार आ कोन ना प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग एंड असेसिंग आर्ग्युमेंट्स तमाने जदि तार फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट घटी तार फिलोसॉफी रो डेवलपमेंट घटी तमाने से कौन कर ना कि गोटे जिनस नुआ करके तैयारी कर मेकिंग करार तार कैपेसिटी थी एंड एसेसिंग असेसमेंट कर पार्थ जहाँ आर्गुमेंट सब आसूँ जहाँ ताक तर्क आसूक असेसिंग करोसफी फिलोसॉफी कौन ना यह नॉलेज दी जाए टू अंडरस्टैंड द होल यूनिवर्स इट गिव्स नॉलेज इट गिव्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड द होल यूनिवर्स होल यूनिवर्स को बुझीबार क्षमता दे था बुझीबापाई नॉलेज दे था ता माने लक्ष्य करथिबो जे माने सोसाइटी रे नॉलेज थांती से माने जजमेंट ठीक से नहीं पारंती भाभी चिंती की निष्पत्ति नियंती कथा कहला बेले मते भाभी चिंती की कथा कहि थांती एवं से मानकर थिंकिंग पावर थाए से मानकर आईक्यू हाई थाए से माने ही फिलोसॉफी का से मानको हम फिलोसोफर कहि परिबा साधारणतः जो माने पोएट अछंती जो माने राइटर अछंती जो माने एस्ट्रोलॉजर अछंती ए माने सब फिलोसॉफिकल ए मानकर कॉग्निटिवल डेवलपमेंट हिताए ए माने क्वेश्चन अराइज करंती से क्वेश्चन कारण बुझंती एवं से गुड को समाधान करिया पई चेष्टा करंती से
जोटा कि फिलोसफी हूँ गोटे लव अफ विजडम नलेज मोर एत नलेज सीमित रही आहरी अनेक किसी नलेज पाइबार अच्छी आम मन कर एजुकेशन सरगला स्कूली सरगला कलेज लाइफ सरगला यूनिवर्सिटी आम पाठपढ़ा सरदे सरगला आम सर्टिफिकेट पाई सारापर कहते हैं नलेज कम्प्लीट होगा ना सब फिलोसफर चाहिए तार नलेज को कंटिन्यू करें सी कौन करता है तार आहरी किसी नलेज पाइबार बहुत तार आग्रही था बहुत आशा करेंगे लव अफ विजडम कह जाए आउ कौन ना स्टडी अबाउट द जनरल एंड फंडामेंटल स्टडी सी स्टडी करी थाए अबाउट द जनरल एंड फंडामेंटल जो कथा कही जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स सी सब बड़े जनरल आउ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को ही स्टडी करी थाए तार यही जो समस्या टी होची तार मूल कौन से मूलटा को कैच करने चेस्टा कैं से मूल द्वारा समाधान यहाँ हूँ स्टडी अबाउट द जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आउ कौन करे ना एंड आंसर दे एगुड़ी को सी कौन करे ना आंसर करें से गुड़िकर समाधान बाहर करें तार उत्तर खोज तार उत्तर यहीटा हूँ तुम फिलोसफी फिलोसफिकल डेवलपमेंट यह ही है फिलोसफी कहले आम कौन बुझुंट ना लव अफ विजडम लव अफ नलेज अनेक किसी ज्ञान हासिल करार जो भल पाइबा अनेक किसी ज्ञान हासिल करार जो आग्रह से ही फिलोसफी कहुए आ कौन ना फिलोसफी हूँ फिलोसफी आउ कौन होता है ना इट इज वे ऑफ लिविंग ये सब आमको गोटे मेसेज देता है इट इट गिव्स द वे ऑफ लिविंग वे ऑफ लिविंग आमको बंचवा शिखी था यह बंचवार बाट देखे था तेणुक जो मैंने साधारणतः कह जाए एजुकेटेड पीपुल मैंने रंग डिसीजन नहीं न कहीं एजुकेटेड पीपुल मानक फिलोसफिकल डेवलपमेंट घटी थाए से स्ट्रंग था नलेज तेणुक डिसीजन भूलवाल नहीं न एवं जो माने टिके नॉलेज रे कम थांती बा जो माने इलिटरेट थांती सेमानकर डिसीजन कम थाए ता माने इलिटरेट माने निरक्षर निरक्षर तेमानकर नॉलेज जदी थिबो निरक्षर हेतिले भी इलिटरेट हेतिले भी सेमानकर जो नॉलेज थिबो एवं सेमानकर डिसीजन मेकिंग पावर थिबो तेंकर आमे तार फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट इज बोली कहि परबा ताले इट गिव्स द वे ऑफ लिविंग यह कौन करथाए ना बंचिबार बाटा देखै थाए तेंकर गोटे जो कथा कहली जने एजुकेटेड पर्सन जने वेल लर्निंग पर्सन तार लिविंग स्टाइल जहाँ थी जने इलिटरेट पर्सन अनएजुकेटेड पर्सन लिविंग स्टाइल से नथिबो कहीं ना एजुकेटेड पर्सन टे सब प्रॉपर डिसीजन नहीं पारे केमिति कौन वे टू वे ऑफ लिविंग तार बढ़िया ठीक गोटे रूटीन में चली थाए से बहुत पंक्चुअल थाए से बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर थाए तेणुक तार कौन असुविधा हुए ना तेणुक फिलोसफी गोटे वे ऑफ लिविंग को चेंज करता है आउ कौन ना यह इट मेक्स पर्सनल आटीच्यूड यह कौन करते ना पर्सनल आटीच्यूड तैयारी करे जड़े एजुकेटेड पर्सन लार आटीच्यूड निश्चित थी हे तो एजुकेशन को लेकिन आटीच्यूड न थपे कि तार वे अफ बिहेव तार वे अफ टकिंग एगुड़ाक सब आटीच्यूड थी तार अर्थात सी समथिंग स्पेशल थी से निश्चित समथिंग स्पेशल थी कहीं से एजुकेटेड सी सोसाइटी को भल भल भाव जाणी से चिन्ही तो आगर मुनि ऋषि मैंने सब वे भिन्न थे समस्त साधारणतः जब आम भारत मुनि ऋषि मान कथा कह से डिफरेन्ट थे समस्त कहीं से नलेज बहुत विजडम पावर बहुत स्ट्रंग थी से बहुत किसी हासिल करते बहुत किसी नलेज हासिल करने चेष्टा करते से वे अफ थिंकिंग वे अफ टकिंग से बहुत स्ट्रंग थी आउ से भारी स्ट्रंग माइंडेड थे कहीं योगा प्राणायाम द्वारा एगुड़ी को डेवलपमेंट हो पार आउ कौन ना सर्च अफ नलेज सब फिलोसफी सर्च कर सर्च अफ नलेज ये सब नलेज को सर्च कर मन रख ये सब क्या सर्च करते नलेज को सर्च करते नलेज अबाउट केवल कौ नलेज 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 अबाउट गॉड नेचर एंड गॉड्स क्रिएशन ये कौन करथाए ना भगवान को संपर्क रे तर्जमा करी थाए नेचर प्रकृति संपर्क रे तर्जमा करी थाए आ भगवान को सृष्टि जहाँ अच्छी सी सब संपर्क रे से प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करी थाए आ कहीं इन्वेस्टिगेट करी थाए कहीं तार जानवर आग्रह बहुत थाए से डेप्थ को पशिवार आग्रह बहुत थाए जो सी सब विषय में बहुत तर्जमा करे बहुत इन्वेस्टिगेट करे बहुत इनक्वायरी करे एवं से तार आंसर पाइए शेष से तार आंसर पाई आम स्वामी विवेकानंद कथा कह महात्मा गांधी कथ कह ग्रेट फिलोसफर थे कहीं बहुत नलेजस्ट थे पूरा हाई थिंकर थे दूरदृष्टि संपन्न थे
ସେମାନେ ପ୍ରପର ଡିସିସନ ମେକର ଥିଲେ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫିଲୋସଫି, ଫିଲୋସଫିର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫିଲୋସଫିର ଡେଫିନେସନକୁ ଯିବା। ଫିଲୋସଫିର ଡେଫିନେସନ ହେଉଛି ଡିରାଇଭଡ୍ ମିନିଂ। ପ୍ରଥମେ ଡିରାଇଭଡ୍ ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ବା ମୂଳ ମିନିଂ ଜାଣିବା। ଫିଲୋସଫି ଡିରାଇଭଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଟୁ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ, ଫିଲୋସଫି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫିଲୋସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋଫିଆ। ଫିଲୋସ ମାନେ ହେଉଛି ଲଭ, ସୋଫିଆ ମାନେ ହେଉଛି ୱିଜଡମ୍। ୱିଜଡମ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ନଲେଜ, ଜ୍ଞାନ। ୱିଜଡମ୍ ମାନେ ହେଉଛି ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନ, ଫିଲୋସ ହେଉଛି ଲଭ। ଯେଉଁମାନେ ନଲେଜକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନଲେଜ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଲେଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନଲେଜକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲୋସଫର ହେଇପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ଏ ଜିନିଷଟି କାହିଁକି ହେଲା, ଏଇଟା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯଦି ଏହା ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏହାର ସମାଧାନ କିପରି ହେଇପାରିବ, କେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଇଏ ସବୁ ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ ସେ ହିଁ ଫିଲୋସଫର। ତେଣୁକରି ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ଫିଲୋସ ଆଉ ସୋଫିଆର କମ୍ବିନେସନ। ଫିଲୋସ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଲଭ, ଆଉ ସୋଫିଆ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱିଜଡମ୍। ଯେଉଁମାନେ ନଲେଜକୁ ଲଭ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ୱିଜଡମ୍କୁ ଲଭ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞତାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଲୋସଫର ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଫିଲୋସଫିର ଆଉ କ'ଣ ଅର୍ଥ ରହିଲା। ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ଡେଫିନେସନ ଫିଲୋସଫିର କିଛି ଦେଖିବା। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ, ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କ'ଣ ଫିଲୋସଫି କହିଛନ୍ତି, ଫିଲୋସଫିର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଏ ଲଜିକାଲ ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ରିଏଲିଟି। ବାସ୍ତବ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଲଜିକାଲି ଇନକ୍ୱାରି କରିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଫିଲୋସଫି କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବ ଜିନିଷର ଲଜିକାଲ ମାନେ ତର୍କଭିତ୍ତିକ ଇନକ୍ୱାରି କରେ, ତର୍କଭିତ୍ତିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଫିଲୋସଫି। ତାହେଲେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଏ ଲଜିକାଲି ଇନକ୍ୱାରି ଇନ୍ ଟୁ ଦ ନେଚର ଅଫ୍ ରିଏଲିଟି। ବାସ୍ତବ ଜିନିଷର ଯିଏ ତର୍କଭିତ୍ତିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ ଆମେ ତାକୁ ଫିଲୋସଫି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଫିଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ, ଫିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ସେ ନଲେଜର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଜାଣୁଥିବ ଯିଏ ରିଏଲିଟିକୁ, ଯିଏ ରିଏଲିଟିକୁ ଆମକୁ ରିଏଲିଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଥାଏ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ସୁପରଷ୍ଟିସନ ନଥାଏ, ନୋ ସୁପରଷ୍ଟିସନ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇନ୍ସ, କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ, କେବଳ ଆମକୁ ନଲେଜ ଦେଇଥାଏ, ତାହାକୁ ହିଁ ଫିଲୋସଫି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲ ନଲେଜ ଦେଇଥାଏ ଆମକୁ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ। ସାଇନ୍ସ ୱାର୍ଡ ଲାଗିଲା ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ରିଏଲିଟି, କୌଣସି ଅନରିଏଲ ଜିନିଷ ନଥିବ, ତେଣୁକରି ଫିଲୋସଫିରେ କୌଣସି ଅନରିଏଲ ଜିନିଷ ନଥାଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ନଲେଜ, ନଲେଜର ଏହା ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଡେଫିନେସନ ଅଛି କିଛି, ତାପରେ ଡେଫିନେସନଟା ଅଛି ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଉଛି। ସେ ଡେଫିନେସନଟି ହେଉଛି ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଏ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏଇଟା ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଏ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ସକ୍ରେଟିସ୍। ସକ୍ରେଟିସ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ଉଠିବାଠାରୁ ରାତିରେ ବିଛଣାକୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଫେସ୍ କଲା ପରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଉପାୟର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଫିଲୋସଫି କୁହାଯାଏ। ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ କ'ଣ ଫିଲୋସଫି, ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ କିଲପାଟ୍ରିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍, ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିୟୁ ଆଉଟ୍ ଲୁକ୍ ଅନ୍ ଲାଇଫ୍, ଆଉଟ୍ଲୁକ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ସହିତ, ଜୀବନର ପରିସର ବାହାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଥାଏ, ଇଏ ସବୁକୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିୟୁ, ଏ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିୟୁ, ସେଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା, ତାକୁ ହିଁ ଫିଲୋସଫି କୁହାଯାଏ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ କିଲପାଟ୍ରିକ୍। ଇଲପାଟ୍ରିକ୍ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭିୟୁ ଆଉଟ୍ଲୁକ୍ ଅନ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନର ପରିସର ଭିତରେ ଏବଂ ଜୀବନର ପରିସର ବାହାରେ ଯେତିକି ଘଟିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ, ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଦ ମଦର୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏକଥା କହିଲେ ବ୍ୟାକନ୍। ବ୍ୟାକନ୍ କ'ଣ କହିଲେ, ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଦ ମଦର୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ,
ବ୍ୟାକନ୍ କହିଲେ କଥା। ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଦ ମଦର୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସାଇନ୍ସ ଆଡ଼େ ଲାଗିଲା ମାନେ ରିଏଲିଟି ବା ବାସ୍ତବ ଜିନିଷ ଆସିବ। ସେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ଆମେ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ସବୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫର ହେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଫିଲୋସଫର ବନିବାକୁ ପଡ଼େ, ତାପରେ ସେମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଫିଲୋସଫି କହେ ବାସ୍ତବ ଜିନିଷକୁ ସେ ତର୍କ କରିଥାଏ, ବାସ୍ତବ ଜିନିଷକୁ ସେ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିଥାଏ କ'ଣ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସାରା ସୌରଜଗତରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ୱେରେ ସେ ଯିଏ ଆମ ପାଖକୁ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷଟି ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିଥାଏ, ଯିଏ ଆମକୁ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ, ସିଏ ହିଁ ସାଇନ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ସାଇନ୍ସର ହେଉଛି ମଦର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଫିଲୋସଫି ସବୁବେଳେ ରିଏଲିଟି ଉପରେ ଫେଥ୍ କରିଥାଏ, ରିଏଲିଟିକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସକ୍ରେଟିସିଙ୍କର ମତବାଦ, ଏଲପେଟ୍ରିଙ୍କର ମତବାଦ, ବ୍ୟାକନ୍ଙ୍କର ମତବାଦ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଭୃବାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଭୃବାଚର୍, VRUBACHER। ଭୃବାଚର୍ କ'ଣ କହିଲେ? ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସେସ୍। ସାଇନ୍ସେସ୍ ଯେତିକ ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ତୁମ ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ, କେମିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଯାହା ବି ସାଇନ୍ସ ଅଛି, ସେ ସାଇନ୍ସର ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଫିଲୋସଫି। ସମସ୍ତ ସାଇନ୍ସର ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଡାଟା ନେଇଗଲେ ଫିଲୋସଫି କ'ଣ, ଫିଲୋସଫିର ଡେଫିନେସନ୍ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି। ଫିଲୋସଫିର ନେଚର୍ ବା ଫିଲୋସଫିର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଜାଣିବା, ବା ଫିଲୋସଫି କେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଏ ଜାଣିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି, ତୁମେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ସ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବ। ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଟା ଭ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍, ଗୋଟେ ମେଳ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅର୍ ବିଲିଫ୍ସ, ବିଶ୍ୱାସର ମଧ୍ୟ ଏହା ଗୋଟେ ସେଟ୍କୁ ବୁଝାଏ, ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟେ ସେଟ୍କୁ ବୁଝାଏ ଏବାଉଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହୋଇଛି, ସୃଷ୍ଟି କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଉଛି, ଇଏ ସବୁକୁ ଯିଏ ଷ୍ଟଡି କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଫିଲୋସଫି କହିଥାଉ। ୱିଚ୍ ଆର୍ ଅଫନ୍ ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ କ୍ରିଟିକାଲି, ଅନ୍କ୍ରିଟିକାଲି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ଅଫନ୍ ହେଲ୍ଡ ଅନ୍କ୍ରିଟିକାଲି। କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ପରିହାସ କରିବା ବା ଥଟ୍ଟା କରିବା, ସେହି ଅର୍ଥରେ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍କ୍ରିଟିକାଲି, ଇଏ କୌଣସି ଥଟ୍ଟା କରେ ନାହିଁ, ଇଏ କୌଣସି ମଜାକ କରେ ନାହିଁ ଫିଲୋସଫି, ଏହା ସବୁବେଳେ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କହିବା, ୱିଚ୍ ଆର୍ ଅଫନ୍ ହେଲ୍ଡ ଅନ୍କ୍ରିଟିକାଲି। ଅନ୍କ୍ରିଟିକାଲି ମାନେ କୌଣସି ସେ ମଜାକ କରିନଥାଏ, କୌଣସି ସେ ଅନ୍ରିଏଲ୍ ଜିନିଷ ଦେଇନଥାଏ। ତାହେଲେ ୱି ରେଫର୍ ଟୁ ଦିସ୍ ମିନିଂ, ଆମେ ଏହି ମିନିଂକୁ ରେଫର୍ କରିପାରିବା, ୱି ରେଫର୍ ଟୁ ଦିସ୍ ମିନିଂ ଆଜ୍ ଦ ଇନଫର୍ମାଲ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଅର୍ ହାଭିଂ ଏ ଫିଲୋସଫି। ହାଭିଂ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ ଥିଙ୍ଗ ଥିବ। ୟୁଜୁଆଲି ହୁଏନ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ସେଜ୍ ମାଇ ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ମାଇ ଫିଲୋସଫି ହେଉଛି ଏହା, ଯେମିତି ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଥିଲେ ମାଇ ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ନନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅହିଂସା ହେଉଛି ମୋ ଫିଲୋସଫି, ତାମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଫିଲୋସଫିକାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ସିଏ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଅହିଂସାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅହିଂସା ବାଟ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ତାମାନେ ସେ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ହି ଅର୍ ସି ଇଜ୍ ରେଫରିଂ ଟୁ ଇନଫର୍ମାଲ ପର୍ସନାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟୁ ୱେଦର ଟପିକ୍ ଇଜ୍ ବିଗେନ୍ ଡିସ୍କସ୍ଡ। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଥିବା ଦରକାର, ପର୍ସନାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଫିଲୋସଫର ସେମାନେ ପର୍ସନାଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କୌଣସି ବି ଟପିକ୍ ଉପରେ ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ, କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍ ରହିଥାଏ, ପର୍ସନାଲ ମତବାଦ ରହିଥାଏ ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ। ତେଣୁକରି ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଇନହେରେଣ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି, ଇଣ୍ଟରନାଲ କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫିଲୋସଫିଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା, ତାପରେ ଅଛି, ତାପରେ ନେଚରଟା କହୁଛି ଫିଲୋସଫି, ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ। ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଟିସାଇଜିଂ ଆୱାର ମୋଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲି ହେଲ୍ଡ କନ୍ସେପ୍ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ସ। ଇଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଥାଏ ଆଉ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଆର୍ ମୋଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲି ହେଲ୍ଡ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍ସ। ଆମର ଯାହା ଯାହା କନ୍ସେପ୍ସନ୍ସ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନାଲ କ୍ୱାଲିଟି, ବିଲିଫ୍ସ, ଯାହା ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ରହିଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ସେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥାଏ। ଦିଜ୍ ଟୁ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି, ହାଭିଂ ଆଣ୍ଡ ଡୁଇଂ, ଅର୍ଥାତ୍
तुम पाखे कौन अच्छी तुम्हें कौन करुच जदि गांधीजी पाखे नॉनवायलेंस नथाए सी तुम गरमपंथी दल सी जब समस्त नरमपंथी एडवाइस दे थाने तुम ग्रेट फिलोसोफर कही पार ना मैंने गांधीजी पाखे फिलोसोफ नॉनवायलेंस क्वालिटी हैविंग मैंने अच्छी से नॉनवायलेंस को फॉलो करती से क्वालिटी से डू कर अर्थात से ओबे तेणुक हैविंग एंड डूइंग ये दुईटा जाक क्वालिटी गोटे फिलोसोफर थाए ना से सब क्रिटिसीजम शिकार होता है तेणुक फिलोसोफर केवल केत मत दिए ना सब एक मत दे कहीं तार थीओरी गोटे फेथ थाए गए विश्वास थाए कैनट बी ट्रिटेड एंटायरली इंडिपेंडेंट अफ इच अदर फर इफ वी डिड नॉट हैव ए फिलोसोफी इन द फॉर्मल पर्सनल सेन्स देन वी कुड नॉट डू ए फिलोसोफी इन द क्रिटिकल रिफ्लेक्टिव सेन्स तेणुक आम गोटे निजे फिलोसोफर हो पारानी जदि आम दुईटा भितर गोटे ठीक बालांसींग नेचर न रोचे तो ग्रेट फिलोसोफर हो पारा ना हैविंग ए फिलोसोफी हाव इज नॉट सफिशिएंट फॉर डूइंग फिलोसोफी खाली फिलोसोफर फिलोसोफी पावर थे आम कहानी से ग्रेट फिलोसोफर बोली जीनियस फिलोसोफिकल एटीट्यूड इज सर्चिंग एंड क्रिटिकल सब से क्रिटिकाली थिंकिंग करें क्रिटिकाली मैं डाइवर्स थिंकिंग करें सब ब्रॉड थिंकिंग करें गोटे जिनस को सी व्यापक भाव में आलोचना कै कि व्यापक जिनस को सी जोड़ी डिस्कस करने को चेस्ट करता है सब वेल फिलोसोफर दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड आटीच्यूड इज सर्चिंग सब से सर्च करें नॉलेज रो सर्च करें कार सर्च करें नॉलेज रो सर्च करें सब प्रॉपर नॉलेज रो सर्च करें विलिंग टू लुक एट द साइड्स ऑफ एन इश्यू विदाउट प्रीजुडिस टू फिलोसोफाइज इज नॉट मेरिली टू रीड एंड नो फिलोसोफी देयर आर स्किल्स ऑफ आर्गुमेंटेशन अर्थात ता पाखरे स्किल थाए दक्षता थाए कौन सी जिनस को आर्गुमेंट करिबा एवं ता पाखरे प्रॉपर नॉलेज थाए आर्गुमेंट सरला परे तार ठीक आंसर बा कंक्लूजन ले पहुंची परिबार प्रॉपर इनफॉरमेशन थाए से वेल प्रिपेयर हेकि जाय थाए कौन सी गुटे आर्गुमेंट बा कौन सी गुटे डिस्कशन उपर तेंगरी आमे नेचर रे देखिले एवं परवर्ती नेचर देखिबा परवर्ती नेचर होउची फिलोसोफी रो परवर्ती नेचर होउची जे फिलोसोफी इज द लॉजिकल एनालिसिस मु कहितिले अगरु जे कथाटी लॉजिकल एनालिसिस कथा के कहितिले हमरो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते फिलोसोफी इज द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज भाषार लॉजिकल लैंग्वेज एनालिसिस करिता एंड द क्लारिफिकेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट से जो वर्ड कहती से जो कॉन्सेप्ट पर्यवेक्षित अच्छी से गुड़ाकर क्लारिफिकेशन से ही देता है फिलोसोफी ताले फिलोसोफी इज द लॉजिकल एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज एंड द क्लारिफिकेशन ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट जहाँ जहाँ वर्ड्स अच्छी जहाँ जहाँ कन्सेप्ट अच्छी तार गोटे क्लारिफिकेशन से आमको प्रोवाइड करता है ता ही हूँ फिलोसोफी तापर परवर्ती देखा परवर्ती अच्छी फिलोसोफी पांच नंबर पॉइंट अच्छी फिलोसोफी नेचर रे जे कहती फिलोसोफी इज ए ग्रुप ऑफ पेरेनियल प्रॉब्लम्स दैट इंटरेस्ट पीपुल एंड फॉर व्हिच फिलोसोफी ऑलवेज हैव साउट आंसर्स से सब बेले तार आंसर उपरे स्थिरचित थाए पेरेनियल हूँ दीर्घस्थायी एटा लॉन्ग लास्टिंग अर्थात एवर सब बेले से गोटे स्थिर समाधान बाहर करता है प्रत्येक प्रॉब्लम्स रो फिलोसोफी इज ए ग्रुप ऑफ पेरेनियल प्रॉब्लम्स अनेक गोटे लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम्स मानकर गोटे ग्रुप होता है दैट इंटरेस्ट जहाँकि लोक मानक इंटरेस्ट करता है एंड फॉर व्हिच फिलोसोफर्स ऑलवेज हैव साउट आंसर्स फिलोसोफर पाखे सब बेले गोटे कॉन्फिडेंट आंसर थाए साउट आंसर हूँ कॉन्फिडेंट बा पर्टिकुलर आंसर ताकि थाए फिलोसोफर प्रेसेस इट्स इंक्वायरी इंटू द डीपेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस मनुष्य कहीं सृष्टि मनुष्य किपर सृष्टि मनुष्य बिहेवियर कहीं चेंज हो मनुष्य केत निजक एडजस्ट कर पाइला सोसाइटी सहित केत सोसाइटी गठन कला केमी कौन पर ये सब कथार इनक्वारी करें फिलोसोफी सम अफ द फिलोसोफिकाल क्वेश्चन राइज इन द पास्ट हैव बीन आंसर्ड इन ए मैनर सैटिस्फैक्टरी टू द मेजॉरिटी ऑफ फिलोसोफर्स गोटे लोकर जब कौन गोटे क्वेश्चन आसला निजर जीवनशैली को लेकिन लाइफ स्टाइल को लेकिन गोटे फिलोसोफर प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कर पारे जो से लोकटी को सैटिस्फैक्शन मिलता है मेनि क्वेश्चन अनेक क्वेश्चन तैयारी करें हाउ एवर हाव बीन आंसर्ड ओनली टेंटेटिवली एंड मेनी प्रॉब्लम्स रिमेन अनसॉल्व केतेक प्रॉब्लम गुड़िकनसल्व हो रही जाए मनुष्यर जो अनसल्व समाधान समस्या गुड़ी जड़े फिलोसोफर प्रॉपर वे रे समाधान करें क्यों मेथड से समाधान कर लक्ष्य कर तार मेथड कौच प्रथम कथा कहला
व्हाट इज ट्रुथ सी सब क्वेश्चन करें फिलोसफी सब क्वेश्चन करें व्हाट इज ट्रुथ सत्य कौन से सत्य को सी आधार करके आग को चली थाए तेरी कौन गोटे सुपरस्टिशन कौन गोटे इलिगल कौन गोटे आनुमानिक जिनस प्रोबेबिलिटी को सी पसंद कैर ना फिलोसफी सब व्हाट इज द ट्रुथ सब सत्य को लेकिन चली थाए व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग से सब यहाँ को कंपेयर करता है मन भितर क्वेश्चन अरइज करता है क्योंटा ठीक क्योंटा भूल जदि यहाँ ठीक तेल मुझे डिसीजन नेबी जोटा रंग मुझे फर्गो करी व्हाट इज लाइफ एंड व्हाय आई एम हियर जीवन कौन आम कहीं अच्छा मुझे कथा कहली पृथ्वी केमी सृष्टि विश्व केमी सृष्टि तार से तर्जमा करें ए विश्व जमी सृष्टि जदि सृष्टि तेज़े ये जीवन रत्ता केमी आईला तार गवेषणा करता है कही सैंस रहा ऊर्धे थाए फिलोसफी हूँ सैंस रु बहुत ऊर्धे थाए व्हाट इज दे आर एनिथिंग आट अल एटारे अलग किसी अच्छी कि पृथ्वी आउ किसी आविष्कार हो पार कि उद्भावन करदी पृथ्वी से तार साटिस्फेक्शन न मिलला तेल पुणी चंद्र को गला चंद्र साटिस्फेक्शन मिलला ना मंगल को गला ये समस्त को सी तर्जमा करुच्ची इनक्वारी करुच्ची दैट इज फिलोसफी फिलोसफी यह हूँ नेचर से सत्य को खोजी थाए आए राइट आउ रंग भितर डिस्टिंक्शन कै माने तुम पार्थक्य सृष्टि कै आए सब कहीं आम एठार अच्छा आम जीवन मुख्य एम कौन व्हाट इज देयर एनिथिंग एट ऑल यह व्यतीत आउ किसी अच्छी कि ये सब क्वेश्चन तम भर सब रईज करता है जो क्वेश्चन गुड़िक गौतम बुद्ध मन में एरइज करता जो क्वेश्चन गुड़िक स्वामी विवेकानंद मन एरइज करता युड़िक सब से ग्रेट फिलोसफर हो पारे देखा तापर अच्छी फिलोसफी ब्रांच के ब्रांच रहा फिलोसफी तीनो मुख्य ब्रांच रही देख फिलोसफी तीनो मुख्य ब्रांच को लेकिन चली थाए गोटे मेटाफिजिक्स जहाँ को नेचर ऑफ रियलिटी कहा जाए मेटाफिजिक्स माने कौन ना नेचर ऑफ रियलिटी वास्तव जिनसर प्रकृति को मेटाफिजिक्स कह जाए आउ कौन एपिस्टेमोलोजी कौन एपिस्टेमोलोजी हूँ थ्योरी ऑफ नॉलेज नॉलेज रो थ्योरी नॉलेज रो तर्कशास्त्र नॉलेज विषय जो इनफर्मेसन आम पाई से एपिस्टेमोलोजी आ गए थ्योरी ऑफ वैल्यूज वैल्यूज हूँ मूल्यबोध मूल्यबोध रोटा पाई एक्सियोलोजी कहुए तो फिलोसफी तीनो पार्ट मन रहा मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलोजी एक्सियोलोजी आउ थे कहीदे मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलोजी एक्सियोलोजी मेटाफिजिक्स नेचर ऑफ रियलिटी मेटाफिजिक्स कौन मेटाफिजिक्स कौन ना नेचर ऑफ रियलिटी मेटाफिजिक्स हूँ फिलोसफी गोटे ब्रांच जी सब रियलिटी उपरे पर्यवेक्षित रियलिटी को तर्जमा करता है रियलिटी विषय खोजी थे व्हाट इज रियलिटी ए क्वेश्चन आसो मेटाफिजिक्स व्हाट इज रियलिटी वास्तव जिनस कौन द प्रोब्लेम ऑफ एविल जो एविल माने तुम बेड प्रोब्लेम्स खराब प्रोब्लेम्स जो समस्या सृष्टि से समस्या गुड़िक कौन डज गॉड गॉड एक्जिस्ट भगवान अच्छा कि मेटाफिजिक्स हूँ सब तुम जेहतु रियलिटी उपरे विश्वास करे तेरी भगवान तार कम विश्वास थे तेरी सी क्वेश्चन कै डज गॉड एक्जिस्ट एंड इफ सो कैन वी प्रूव इट जदि अच्छा तेल तुम यह प्रमाण करकेपर कि मेटाफिजिक्स मैंने मेटा शब्द अर्थ अर्थात जहाँ वास्तव जिनस तर्जमा करता है तेणु जेहतु से गॉड को देखी पारना तेणुक से गॉड को बिलीव कैर आर ह्यूमन एक्शंस फ्री अच्छा मनुष्य जो एक्शंस गुड़िक अच्छी ता मुक्त कि और दे आर डिटरमाइंड बाय सम फोर्सेस आउटसाइड ऑफ आवर कंट्रोल अच्छा एम को यह करवाई कई जन फोर्स करवा आउटसाइड कंट्रोल द्वारा एम परिचालित होती कि एगुड़ी संपर्क में जे तर्जमा करता गवेषणा करता है आम मेटाफिजिक्स कही था डेफिनेशन कौन मेटाफिजिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट मेटा मेटा मीन्स बियॉन्ड अपन और आफ्टर बियॉन्ड माने व्यतीत अपन और आफ्टर परे एंड फिजिका अच्छी फिजिका मीन हूँ फिजिक्स फिजिक्स मैंने जानपार भौतिक विज्ञान अर्थात से सब रियलिटी वास्तव जिनस को गवेषणा करता है ये आस् क्वेश्चन सच एज व्हाट इज रियल व्हाट एक्जिस्ट जहाँ जहाँ आम पृथ्वी में अच्छी कौन आम पृथ्वी सत्य ये सब विषय से गवेषणा करता है दैट इज मेटाफिजिक्स मेटाफिजिक्स आउ कौन पार्ट रहा मेटाफिजिक्स रहा मेटाफिजिक्स रहा जे आम तार सब पार्ट्स देखा बर्तमान मेटाफिजिक्स जानगले मेटाफिजिक्स पार्ट्स सब कौन कौन रहा देखा मेटाफिजिक्स प्रथम पार्ट सब पार्ट होती ऑन्टोलॉजी ऑन्टोलॉजी कौन इट स्टडीज कॉन्सेप्ट्स दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू बीइंग एक्जिस्टेंस मुझे कथा कहती सब एक्जिस्टेंस जहाँ आम पृथ्वी में आम जहाँ देखी पार्टी जहाँ को स्पर्श कर पार्टी टच कर पार्टी एगुड़िक सब रियलिटी वास्तव जिनस आज वेल एज द बेसिक कैटेगरीज ऑफ बीइंग दे आर रिलेशंस से जो वास्तव जिनस सब पृथ्वी रहा से भितर कौन कौन सब रिलेशंस रही मनुष्य प्रति कौन इफेक्ट पकाउछि ये सबूर तर्जमा को ये सबूर स्टडी को ऑन्टोलॉजी कहे ऑन्टोलॉजी हूँ द रिलेट बीइंग द एक्जिस्टेंस रियलिटी आज वेल एज द बेसिक कैटेगरीज ऑफ देर बेसिक कैटेगरीज ऑफ बीइंग एंड देर रिलेशंस ताले ऑन्टोलॉजी हूँ
एक्जिस्टेंस उपरे विश्वास करे रियलिटी उपरे विश्वास करे आ बेसिक कैटेगरीज ऑफ देयर रिलेशन सेमानक भीतर थिबा संपर्क उपरे विश्वास करे तापर हला कॉस्मोलॉजी कॉस्मोलॉजी होची कोनो ना स्टडी ऑफ यूनिवर्स विश्व केमिति सृष्टिला सूर्य काहे केते ताप दउचंदी आ चंद्र काहे के गुरुजी सूर्य पृथ्वी चारि पटे आ अन्य ग्रह गुडी को काहे के सोलर सिस्टम रे अंतर्भुक्त रहउचंदी ए सब विषय रे केमिति एक्जिस्ट हला पृथ्वी विश्व केमिति सृष्टिला विश्व केते पर्यंत परिव्याप्त जाकु बिग बैंग थ्योरी कोआ दे इट कंसिस्ट एंड इट्स हिस्टोरी या केमिति कौन सब धारण करिछि ए कौन कौन नहीं कि परिचालित होती आ एर इतिहास कौन सब रही कॉस्मोलॉजी कहे या फिलोसोफी गोटे पार्ट तापर है कॉस्मोगोनी कॉस्मोगोनी इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स फ्रॉम इट्स बिगिनिंग तेरी कॉस्मोलॉजी कॉस्मोगोनी मध्य जीव ये बिगिनिंग प्राथमिक अवस्था केमिति यूनिवर्स सृष्टि ये सब विषय तर्जमा करता है जदि ये केवल यूनिवर्स विषय तर्जमा करता है कि ये सब बिगिनिंग मौलिक अवस्थार तर्जमा करता है एंड ओरिजिन्स ऑफ एवरीबॉडी इंक्लूडेड समस्त जी अच्छी से सोलार बॉडी ठार आरंभ करके लिविंग बॉडी ठार आरंभ करके नॉन लिविंग बॉडी जितकी रही है ये समस्त इनक्लूड करी तार स्टडी करें तार गवेषणा करता है इंक्वायरी करता है ताको ही कॉस्मोलॉजी कहे आइला कॉस्मोलॉजी पर आइला कॉस्मोलॉजी पर आइला इस्काटोलॉजी इस्काटोलॉजी कौन द पार्ट ऑफ थियोलॉजी कंसर्न्ड विथ डेथ या डेथ को गवेषणा करी थाए कहीं मनुष्य टी मरी थाए जजमेंट ताको जज मध्य करी थाए फाइनल डेस्टिनी से सब फाइनल डेस्टिनी उपरे भाग्य उपरे ऑफ द सोल आत्मा उपरे एंड द ह्यूमन काइंड ये सब कहीं जन मरुची कहीं मनुष्य मरुची कौन पर डेथ होती तार केमिति मोरालिटी डेथ होती ये सब विषय डेस्टिनी भाग्य उपरे मध्य विश्वास करता है यहाँ हूँ एस्काटोलॉजी एस्काटोलॉजी कौन द पार्ट ऑफ थियोलॉजी कंसर्न्ड विथ डेथ मृत्यु कहीं है आत्मा कौन एगुड़ी सब जजमेंट करें भाग्य कौन फाइनल डेस्टिनी लास्ट पॉइंट ऑफ ए लाइफ जीवन शेष कौन ये सब तापर है थियोलॉजी थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गुड एंड गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ ये सब कौन करता है ना भगवान आउ धर्म संपर्क में विश्वास करें थियोलॉजी कहुए जे कि भगवान सृष्टि भगवान धर्म भगवान केतोटी धर्म कौन करते क्यों धर्म के क्यों भगवान पूजा पाती ये सब विषय आमको थियोलॉजी इनफर्मेशन देता है थियोलॉजी जो फिलोसफी गोटे ब्रांच अच्छी ये फिलोसोफर मैंने थियोलॉजी काल फिलोसोफर मैंने सब जिन स्टडी करता जमी आम जानगले मन रहा कौन कौन मुझे ब्रीफली आलोचना करदे प्रथम कथा कही तुम्हारा ऑन्टोलॉजी जे कि एक्जिस्टेंस उपरे रियलिटी उपरे तर्क दे था कॉस्मोलॉजी जेमटा कि यूनिवर्स सृष्टि संपर्क में तार इतिहास संपर्क में इनफर्मेशन दे थाए कॉस्मोलॉजी जे कि यूनिवर्स बिगिनिंग पार्ट सृष्टि विषय कही थाए आउ कौन जैसे लिविंग आउ नॉन लिविंग बॉडी रही है सेगुड़ी को मध्य संपर्क में इनफर्मेशन दे थाए आउ इस्काटोलॉजी हूँ द डेथ एंड द सोल आत्मा मृत्यु फाइनल डेस्टिनी ये संपर्क दे थाए थियोलॉजी हूँ गुड गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ भगवान सृष्टि धर्म ये सब विषय हमको इनफर्मेशन देता है नेक्स्ट देखिबा एपिस्टेमोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी कहले कौन बुझ ना एपिस्टेमोलॉजी इज द थ्योरी ऑफ नॉलेज यहाँ कौन एपिस्टेमोलॉजी मैंने एपिस्टेमो अर्थात नॉलेज जे कि वास्तव नॉलेज को गवेषणा करे एपिस्टेमो अर्थात होची नॉलेज जे कि वास्तव रियलिटी थिंग को तुम इंक्वायरी करता है व्हाट इज नॉलेज वास्तव में नॉलेज कौन व्हाट इज नॉलेज वास्तव में नॉलेज कहले आम कौन बुझी था एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम बिलीफ और ओपिनियन यह विश्वास और ओपिनियन मतवाद को लेकिन केमी डिफर करता है व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नॉलेज आम नॉलेज के सोर्स हासिल कर क्वेश्चन पचार था एपिस्टेमोलॉजी व्हाट इज ट्रुथ तेरे नॉलेज जी सर्च करता है सी सब ट्रुथ पर प्रतिभाषित होती है एंड हाउ कैन वी नो इफ द स्टेटमेंट इज ट्रु केमी जाना स्टेटमेंट जहाँ दि जाऊँगी सत्य ये सब हूँ गोटे एपिस्टेमोलॉजी फिलोसोफी फिलोसोफर कैरेक्टर तेज़े डेफिनेशन एपिस्टेमोलॉजी देखा एपिस्टेम मीन्स नॉलेज एंड लोगोस मीन्स हूँ स्टडी ऑफ कह स्टडी ऑफ नॉलेज दैट इज एपिस्टेमोलॉजी सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नेचर प्रकृतिर सोर्स उत्सर एंड वैलिडिटी ऑफ नॉलेज नॉलेज के वैलिड अच्छी ये सब संपर्क में जी स्टडी करें एपिस्टेमोलॉजी कहते आस्क क्वेश्चन यह क्वेश्चन आस्क करते सच इज व्हाट इज ट्रू सत्य कौन हाउ डू यू नो आम एक केमी जानूंत जहाँ भी आम पाखे इनफर्मेसन अच्छी आम केमी जानूं ये सब को आम एपिस्टेमोलॉजी कही एपिस्टेमोलॉजी तुम दुईट पार्ट गोटे हूँ आग्नोस्टिसिज्म आउ गोटे हूँ स्केप्टिसिज्म गोटे हूँ आग्नोस्टिसिज्म आउ गोटे हूँ स्केप्टिसिज्म देखा आग्नोस्टिसिज्म कौन स्केप्टिसिज्म कौन आग्नोस्टिसिज्म कौन आग्नोस्टिसिज्म हूँ
view that existence of God. Bhagavan achanti. Bhagavan vishwara achanti. The divine or the supernatural power is unknown or unknowable. Arthat, Bhagavan karo srushti. Bhagavan karo presence. God is almighty. God is omnipresent. Ye guda ka sabu ko se vishwas kare nahi. That is agnosticism. E guda ka sabu upare tara besi faith rahe nahi. E philosophy ro ea gote part je ki तुम्हारे गॉड उपरे फेथ नथाय रिलीजियस उपरे फेथ नथाय डिफरेंशिएशन उपरे फेथ नथाय जति की प्राणी थारु आरंभ करी के सबु नेचुरल जति की नेचर तयार करची से समस्त एक समस्त निज निज भीतर कोनोसी गुटे डिफरेंशिएट नाही ताको एग्नोस्टिसिज्म काडे आउ स्केप्टिसिज्म कोन स्केप्टिसिज्म होची द थ्योरी दैट सर्टन नॉलेज इज इम्पॉसिबल सबले स्केप्टिसिज्म कोन चिंता करे ना अल्प विद्या हम पई किछ भी करि परिबो नाही हमकु बहुत नॉलेज एक्वायर करियाक पडिबो बहुत नॉलेज गेन करियाक पडिबो बहुत आगो जीवाक पहिले अनेक जिनिस जानिबाक पडिबो अनेक टॉपिक उपरे थोरली इन्वेस्टिगेट It involves asking questions. तेरे ये skepticism हो ची, मने का question था, मनो इधर बहुत question था, मनो इधर बहुत doubts था, ऐडा हो ची doubts को ले चली वो, मने का doubts था, जी सब लोग question arise करे, इटा कौन, इटा केमिकल, इटा केमिकल, ऐडा कहीं की हो ची, कितने बड़े हैला, किपरी घटिला, जदी घटिला, तारे ताल समाधान कौन, ये सब विषय skepticism ही कोई था हमको about any knowledge, जी सब संपर्क करे हमको knowledge देता है, तापरे देखिबा skepticism पर आसिला, skepticism पर आसिला एक्सियोलॉजी एक्सियोलॉजी मु कोई देछि द थ्योरी ऑफ वैल्यू अर्थात जे मौलिक तत्व हमकु वैल्यू अर्थात मूल्यबोध सिखै थाए से सेटा होची एक्सियोलॉजी जाकि फिलोसोफी रो पार्ट व्हाट इज राइट और रॉन्ग कोन ठीक कोन भूल एही संपर्क रे जे हमकु इन्फॉर्मेशन दिए से होचंती एक्सियोलॉजी फिलोसोफर डेफिनेशन कोन मे टू ग्रीक वर्ड्स एक्सियोस मींस वैल्यू और ओर्थ जा मूल्य को सुते एंड लोगोस मींस स्टडी स्टडी ऑफ वैल्यू वैल्यू रा वैल्यू संपर्क रे जे स्टडी करी थाए बा मूल्यबोध संपर्क रे जे स्टडी करी थाए ताका हम कोन कहि थाउ जे एक्सियोलॉजी So axiology is the philosophical study of value and value. Originally meant that the worth of something. Originally, जहाँ मूल्यबोध था, ये original बा base मूल्यबोध को तर्जमा करता है. Axiology आज तो question, what is value? सब वाले से question पूछता है, what is value? तुम्हारा value बा मूल्यबोध कोई ले कौन बुझो? And where do values come from? ये मूल्यबोध गुड़ी का क्यों दुआ सोची? ये गुड़ी का सब विषय जो तर्कमा करे, that is axiology. तापर देखिए बा, परवर्ती question. एथिक्स एथिक्स थिला हमर कोनो एथिक्स जा पार्ट थिला से एथिक्स कोले कोन बुझो एथिक्स होती द ब्रांच ऑफ नॉलेज या नॉलेज रो गुटे ब्रांच दैट डील्स विथ मोरल प्रिंसिपल अर्थात नैतिक प्रिंसिपल उपरे जे पर्यवेक्षित होइता ताको हम एथिक्स बोली कहिथौ एथिक्स वर्ड सहित तुमे एक्वेंट थिबो एथिक्स होती तुमर मोरल प्रिंसिपल उपरे एथिक्स जिंस जे मोरल जिंस जाने जे डेप्थ स्टडी करिथाय जे अनेक गभीरता रो ज्ञान हासिल करिथाय ताको सेही एथिकल पॉइंट देथाय ताको हम एथिक फिलोसोफर कहियो आ कोन एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसोफी कंसर्न विद द नेचर एप्रिसिएशन ऑफ आर्ट जे सबले आर्ट को एप्रिशिएट करे ब्यूटी सुंदरता को एप्रिशिएट करे एंड गुड टेस्ट जे सबले गुड टेस्ट को उत्तम स्वाद को मध्ये एप्रिशिएट दैट इज एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स होची कोन ना आर्ट जे चित्रकला रहिला जा जा इमेज सब रहिला ये सब को विश्वास करे ब्यूटी एंड गुड टेस्ट को मध्ये एस्थेटिक्स करे एहा ही एस्थेटिक्स एस्थेटिकल फिलोसोफर तापर देखिबा तापर अछि एस्थेटिक पर आसिला वर्तमान एहतिला फिलोसोफी रो पार्ट फिलोसोफी रो संपूर्ण डिस्कशन सरी जाई छी एबे हमें नेक्स्ट जीवा एजुकेशन तेंगरी फिलोसोफी तमे जानि गेलो फिलोसोफी रे डेफिनेशन कोन जानलो फिलोसोफी रे मीनिंग कोन जानलो फिलोसोफी केउटी केउटी तार कोन कोन सब ब्रांचेस रहिला जानले हमें फिलोसोफी रे नेचर सब मध्ये जानले तेंगरी तुमे से गुडी को पढिला बेले नोट्स क्रिएट करिवो वर्तमान देखिबा एजुकेशन वर्तमान पार्ट सेकंड पार्ट आरंभ करिवा एजुकेशन तापर हमें देखिबा एजुकेशन और फिलोसोफी विषय रे कोन गुडे इंटरलिंक रहिछ कोन कनेक्शन रहिछ ताले वर्तमान एजुकेशन तुमे जानिथिबो एजुकेशन होची शिक्षा जदी हमें आम पाखे जे केवल सर्टिफिकेट्स रही गला हमें प्रॉपर एजुकेशन कोई परिवानी बा हमें डिग्री धारी एजुकेटेड कोई परिवा नहीं तो एजुकेशन होची ऑल डाउन सब प्रकार करिकुलर ठारु आरंभ करके को करिकुलर बिहेवियरल मेंटल फिजिकल ये सब रो प्रॉपर डेवलपमेंट जदी हेतिबो हमें ता कोन कहबा हमें ताको कोई परिवा एजुकेशन वर्तमान हमें जो थ्योरी हमें कौन कौन पढ़ा एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन एजुकेशन लॉ मूल तत्व कौन बा मूल डेफिनेशन कौन सिनोनिम्स ऑफ एजुकेशन एजुकेशन लॉ कौन कौन सिनोनिम समर्थ बोधक शब्द रहा देखा डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन देखा नेरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एजुकेशन लॉ कौन कौन सब संकीर्ण चिंताधारा रही है कहीं क्षेत्र में क्यों क्यों संकीर्ण क्षेत्र में एजुकेशन का व्यवहार करते एंड ब्रॉडर और वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन एजुकेशन लॉ कौन ब्रॉड मीनिंग रहा है व्यापक मीनिंग कौन रहा है आउट रहा व्हाट इज एजुकेशन एजुकेशन डेफिनेशन देखा अच्छी प्रथम आसला एटिमोलॉजिकली मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखिबा एजुकेशन रो एटिमोलॉजिकल मीनिंग को जाकू तुम्हें मूल तत्व मध्ये कहि परिबो मूल तत्व एजुकेशन रो कोन
The term education is derived from the different Latin word. Due to different Latin word, rasi da ko educare kwa de. Educare means to bring up mane nei ani thae, and to rise, udaya kori thae, rise, develop kori thae, to nourish, poshan jogai thae, to train kori thae, to mold into describe desirable form. Se sob bole desirable jaha ichha kori thae tar lakshyabhimukhi karae education. Sob bole se kon kori thae na bring up arthat to bring up se sob bole gude gyan ro alok dei thae ja andhakar ro alok ko amku tani ani thae. E sob bole gude nua knowledge ro nua gyan ro sujodya kori thae. E sob bole gude manushya ku poshan jogai arthat se sob bole अधिकर अधिक नॉलेज पाइबा पई जायते दैट इज एटिमोलॉजिकली मीनिंग ऑफ एजुकेशन तले एटिमोलॉजिकली मीनिंग कोन हैला एजुकेशन होची आसी लैटिन वर्ड एजुकेयर रु एजुकेयर माने होची टू ब्रिंग अप बट टू राइज टू नरिश टू ट्रेन और टू मोल्ड इनटू डिजायरेबल फॉर्म एटिमोलॉजिकल मीनिंग परे देखिबा एटिमोलॉजिकल मीनिंग परे देखिबा दिची एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन आउट के रहिला कोन एटा ना आमे देखले एजुकेयर एजुकेयर परे देखिबा एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एजुकेयर मींस ब्रिंग अप राइज टू नरिश आउ कोन ना अनदर लैटिन ओरिजिन एजुके एजुसिया एजुकेयर और एजुसिया मींस टू लीड ये कोन करे ना लीड करिथाए आगु को प्रोग्रेस करिथाए टू ड्रॉ आउट से सबले टाणी के बाहर करिथाए टू ब्रिंग से सबले नै आनिथाए फोर्थ आ सामना को नै आसथाए इट मींस एजुकेशन इज द प्रोसेस ड्रॉइंग आउट दैट विद इन द चाइल्ड से एजुकेशन उच्च गुटे पिला भीतर थिबा अंतर्निहित क्वालिटी को से ड्रॉ आउट करियाने बाहर को बाहर करियाने दैट इज एजुसिया ताले एजुकेयर कोन ना टू ब्रिंग अप एजुसिया कोन ना टू लीड और टू ब्रिंग फोर्थ सामना को बाहर करे या केवल इंटरनल क्वालिटी को स्टडी करे ताने एजुकेशन सबले इंटरनल क्वालिटी कोन अछि ताको बाहर को आनिथाए जेमिति गुटे पिलाटी यदि स्पीच दउची से स्पीच रे यदि स्टेट लेवल सिलेक्शन हैला आ तुमरो इंटरनेशनल लेवल सिलेक्शन हैला त माने से एजुकेशन कोन करती ता भीतर थिबा अंतर्निहित क्वालिटी को से समस्त को स्प्रेड करै दिला समस्त को जानैतरा पॉलिटिशियन मानकर मध्य से आता होइते से मानकर एजुकेशन टी समस्त जानंती एवं ताको आइडियल बोली भावत एजुकेशन मैनिफेस्ट व्हाट इज इनहेरिटेंट इन ए चाइल्ड से सबले मैनिफेस्ट करिता है इनहेरिटेंट अर्थात ता मध्य रे थिबा क्वालिटी इन ए चाइल्ड इनहेरिटेंट जाकी तुमरो पीढ़ी पर पीढ़ी गोटे पीढ़ी अन्य पीढ़ी को आसी थाए से क्वालिटी कौन ता भितर अच्छी एगुड़ी को मैनिफेस्ट करता है तेरी बापा जब गोटे एजुकेटेड होता परवर्त पीढ़ी एजुकेटेड हो कि नहीं संपर्क में एजुकेशन स्टडी करता है एनदर टर्म अफ एजुकेटम आउ गए एजुकेटम फास्ट देखी एजुकेयर आउ गए देखे एजुसीयर आउ गए देखे एजुकेटम ता मान हो आर्ट अफ टीचिंग ये सब कौन कै ना केमी अन्य को शिखेब आर्ट अफ इनस्ट्रक्शन अन्य को कमी सूचना दब इनफर्मेशन दब ना यहाँ राइट यहाँ रंग यहाँ राइट हुए यहाँ रंग हुए ये सब संपर्क जी करता है दैट इज एजुकेटम एजुकेशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम ई डिको माने ई माने होची आउट ऑफ एंड डिको माने होची लीड ये सब लीडिंग करिथाय आउ से लीडर को बार करथाय लीडिंग करिवार कैपेसिटी को बार करथाय एगुडा कहची तुमरो ई डिको पर देखिबा सिनोनिम्स ऑफ एजुकेशन आम एजुकेशन में क्यों सिनोनिम्स व्यवहार कर परिबा प्रथम हैला एजुकेशन को आम शिक्षा आम शिक्षा कही था आ विद्या कही था शिक्षा कौन ना साहस विच एंड्स टू इंस्ट्रक्ट टू टीच टू कंट्रोल टू डिसिप्लिन टू ऑर्डर टू रूल एगुटा कौन शिक्षा ही कहे जदि प्रपर से एजुकेटेड थी प्रपर से शिक्षित थी तेल शिक्षा मान हूँ सी टू टीच ताको शिक्षित करू कंट्रोल तार समस्त प्रवृत्ति पर कंट्रोल आसुव टू डिसिप्लिन डिसिप्लिन शिक्षा दिजाव टू ऑर्डर ताको निर्देश सब शिक्षा दिजाव टू रूल केमी से परिचालित कर फैमिली ठार आरंभ कर देश को कमी परिचालित करो क्यों नियम परिचालित करा ही शिक्षा कहुई है आ विद्या कौन डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड विद विद मान हूँ नो जहाँ जाणी थाए ताको विद्या कहुए ये इम्प्लाइज नलेज तेणुक यह नलेज को बुझाए तो मैंने जहाँ जाणी थे मैंने कौन भितर नलेज अच्छी तेणुक नलेज को ही बुझाई थाए देखा आउ कौन रहा एजुकेशन रजुकेशन डेफिनेसन विभिन्न फिलोसोफर विभिन्न तुम आइडियाल पर्सन एगुड़िक मत दे गांधीजी कहते कौन अकॉर्डिंग टू गांधी बाय एजुकेशन आई मीन ऑलराउंड ड्रॉइंग आउट समस्त जिनस शरीर भितर बाहर को बाहर करउंड डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट को गांधीजी एजुकेशन कही इन चाइल्ड एंड मेन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट सब मन थी बॉडी माइंड आउ स्पिरिट बॉडी माइंड आउ स्पिरिट शरीर मस्तिष्क आउ आत्मा ये समस्त जदि प्रॉपर कॉम्बिनेशन इक्वली डेवलपमेंट घटला ये तीनोटी जाक जब इक्वली डेवलप्ड है इक्वली प्रोग्रेस कला इक्वली ग्रो कला ताकू ही आम एजुकेशन कह गांधीजी कही टागोर कौन कही एजुकेशन मेक्स वन्स लाइफ हार्मोनी विथ ऑल एक्जिस्टेंस जहाँ आम सृष्टि देखुं से भितर गोटे तालमेल रखी तालतम्य सृष्टि कर गोटे बालान्स सृष्टि कर चलने को एजुकेशन कहे आ विवेकानंद कौन कही एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन
perfection already existing in man, man is endowed with quality of perfection. ताले जहाँ जहाँ तुम्हारे सोसाइटी अच्छी जहाँ जहाँ समाज अच्छी तासहित जेगुड़ी अलरेडी एक्जिस्ट मन थी जेगुड़ी अलरेडी एक्जिस्ट से गुड़िक आम विषय से गुड़िक विषय गवेषणा करवा से गुड़िक विषय जाना एवं से गुड़िकर क्वालिटी विषय जाना ही एजुकेशन विवेकानंद कहते हैं। अरिस्टोटल कौन कहते एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। एजुकेशन सब कौन करते ना उत्तम मस्तिष्क उत्तम उत्तम शरीर सुस्थ शरीर टे तैयार करते उत्तम मस्तिष्क सुस्थ मस्तिष्क और सुस्थ शरीर मैं तैयार करते हैं। लट्टो कौन कहे एजुकेशन इज द कैपेसिटी ऑफ फील प्लेजर से सब शांति अनुभव कर पेन जंत्रणा अनुभव कर एंड द राइट मुवमेंट ठीक समय जंत्रणा आ आनंद अनुभव करार क्वालिटी को एजुकेशन कह जाए। सक्रेटिस कौन कहे एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी। एमती गोटे गोटे से आइडिया आनी थाए जे एजुकेशन जहाँकि यूनिवर्सल वैलिडिटी सारा विश्व ही मानी थाए व्हिच आर लैटेंट इन द माइंड्स ऑफ एवरी मैन जहाँकि समस्त लोक मजे रही जाए जमी एजुकेशन कहे गांधीजी कहते ऑल राउंड डेवलपमेंट कथा आज भी आम मन मध्य रही जाए। देखा एजुकेशन डेफिनेशन देखिले न्यारो मीनिंग ऑफ एजुकेशन एजुकेशन न्यारो मीनिंग संकीर्ण अर्थ कौन रहा न्यारो मान बुझी पार्थ जे कौन से गोटे जिनसर गोटे स्मॉल थिंकिंग जहाँ को आम कही था गोटे नकारात्मक थिंकिंग इन नैरोर सेन्स टर्म एजुकेशन इज इक्वाल संकीर्ण भाव में कहवाक गले एजुकेशन इंस्ट्रक्शन गिवेन इन फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नेमली स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्स से कहते नैरो मीनिंग हूँ एजुकेशन जदि आम स्कूल एजुकेशन हासिल करवा कॉलेज हासिल करवा कि यूनिवर्सिटी हासिल करदे आम प्रॉपर एजुकेटेड कहाना नहीं यहाँ नैरो मीनिंग स्कूल सर्टिफिकेट पाइबा कॉलेज सर्टिफिकेट पाइबा यूनिवर्सिटी डिग्री पाइबा ये सब गोटे गोटे हूँ नैरो मीनिंग मैंने बुझी पार्थ सर्टिफिकेट नैरो मीनिंग स्कूल पाठपढ़ नैरो मीनिंग कॉलेज पाठपढ़ नैरो मीनिंग वाइडर मीनिंग कौन हम ना पाठपढ़ा सहित जी समाज में अप्लाय कर पाठर जहाँ शिखुची ताको जी समाज में नहीं अप्लाई करने द्वारा तार समस्या समाधान करे वाइडर मीनिंग व्यापक अर्थ कह न्यारो मीनिंग माने कौन केवल बही पढ़ बहु जिन हासिल बहु नलेज हासिल कर स्कूल कॉलेज जीव ठीक टाइम मेंटेन कर ये जितकी हासिल करेंगे आम न्यारो मीनिंग कही था। इट इम्प्लाइज एजुकेशन स्टार्ट व्वेन ए चाइल्ड एंटर द स्कूल एंड एंड्स व्वेन द लिवस इनट्यूशन तमाने से कहते न्यारो मीनिंग माने कौन ना स्कूल को एंट्री करवा ठू डिग्री सर्टिफिकेट पाला पर्यंत एजुकेशन को नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहे। इन नैरो सेंस एजुकेशन मीन्स टू स्कूलिंग और इंस्टीट्यूशन और आर्ट ऑफ टीचिंग यह केवल स्कूलिंग को बुझाए इंस्ट्रक्शन को बुझाए और आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षा दबार शैली को बुझाए। एजुकेशन इज अ प्लांड डिजायर डेलीवरेड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एंड फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। एजुकेशन सब मन प्लांड स्ट्रक्चर डेलीवरेड सब व्याख्या तर्जमा कर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज संगठन कर स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक सब गोटे सिस्टमेटिक वे एवं फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस ये सब फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस को पर्यवेक्षित करता है। एजुकेशन इज प्लांड डेलीवरेड ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एंड फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस। देखा एजुकेशन कौन रहा एजुकेशन मीनिंग कौन रहा मीनिंग कौन एजुकेशन इज प्लांड गला इट इज इम्पार्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम किंडरगार्टन स्कूल टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन गोटे निर्दिष्ट स्कूल पाठ पढ़ार आरंभ कर गोटे इंस्टीट्यूशन में शिक्षा समाप्ति करने को आम एजुकेशन न्यारो मीनिंग कही था। कहली सर्टिफिकेट पाइबा एजुकेशन मुख्य लक्ष्य नुहे जदि तुम प्रॉपर बिहेवियर कर पार अलग एल्डर्स मान प्रति यंगर्स मान प्रति प्रॉपर स्नेह कर पार मन भितर गोटे इगो रही तुम वेल एजुकेटेड नुहे तुम पाखे सर्टिफिकेट थे तुम पाखे डिग्री सर्टिफिकेट थे तुम पाखे बहुत भल मार्क थे बट यू आर नॉट एजुकेटेड तेरे एजुकेटेड हूँ कौन ऑलराउंड डेवलपमेंट सी डिसीजन नहीं पार्थ जो मानक जो आम कह जे सर्टिफिकेट किंतु प्रॉपर डिसीजन तो लाइफ रही पारे तो वर्तमान तो मैक्सिमम रही एजुकेटेड समस्त पाखे सर्टिफिकेट रोचे कि समस्ते आईएस किंवा ओएस पाइबू ना के जन पाँच से प्रॉपर स्टडी करपर इनभेस्टिगेट कर अमाउंट ऑफ एजुकेशन रिसीव्ड बाय द चाइल्ड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्कोर एंड ग्रेड एग्जामिनेशन पास्ड बाय द स्टूडेंट। एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन हूँ एजुकेशन लक्ष्य एजुकेशन रहा हूँ नैरो मीनिंग मार्क दबा मार्क दे मैंने कौन कहे ना तू हूँ यही स्तर जन फिफ्टी मार्क पाला कह दिगला तू हूँ पचास पचास मार्क स्तर जन टेन मार्क पाला कह तू हूँ टेन मार्क स्तर अर्थात तू दस रुत तौक रखु तेकर तू दस रु तौक रखा पीला पाखे बस एट नैरो मीनिंग तेकर मार्क कथ कह गोटे नैरो मीनिंग हम आउ तुम क्लासरूम स्टडी कथ कह नैरो मीनिंग हम कि जब भिजिट कथ कह बाहर बुलवे और अनेक किसी जिनस देखिए शिखे तार वाइडर मीनिंग हम तेल मन रहा नैरो मीनिंग नैरो थिंकिंग ऑफ एजुकेशन देखा
वाइडर थिंकिंग ऑफ एजुकेशन आउ टिके दिछि नैरो थिंकिंग ऑफ एजुकेशन कोन कोन दिछि पॉइंट गुडा लक्ष्य कर दबा नैरो थिंकिंग दे दिछि एजुकेशन इज इंपोर्टेंट फॉर्मल वे अंडर द सेट ऑफ कंट्रोल्ड कंडीशन एंड एनवायरनमेंट तंगरी एजुकेशन से सबोले कहे जे गुटे सिचुएशन ले रहइबो गुटी एनवायरनमेंट रे रहइबो सबोले तंगरी एटा हम सेति पै नैरो कहितां किंतु जदि कहदिबो ब्रॉड सेंस ऑफ एजुकेशन तंगरी तुमे कहइबो खेल माध्यम रे पाठ पढा अभिनय माध्यम रे पाठ पढा तुमरो फिजिकल एक्सरसाइज माध्यम रे पाठ पढा सेगुडा सब तुमरो हमरो वाइडर सेंस रे जीवो इट इंक्लूड्स दोज स्पेसिफिक इन्फ्लुएंस टू बी ट्रस्टेड अपॉन द चाइल्ड विथ डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स एंड प्री प्लान से सब प्री प्लान करते डेलीवरेट ताको व्याख्या करे ताको तर्जमा करे आउ कौन करे ना सिस्टमेटिक मैनर से ताको सजाए प्रॉपर वे रे सजाए बाय द पेरेंट्स टीचर्स शिक्षक मानक कथा टीचर मान तुम पेरेंट्स मानक कथा एल्डर्स बड़ भाई भौनी मानक कथा और द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन ताको सोसाइटी रे जे डेवलपमेंट कराउची सोसाइटी रे जहार कथा ताको भलो लागुची फॉर द इनहेरिटेंस से इनहेरिटेंस हे पारे तुम कौड़ी कहि पारे वंशानुक्रम हे पारे प्रिजर्वेशन प्रमोशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज माने कोनो ना जहां हमर कल्चर अछि से गोटे पीढ़ी तरह आउटे पीढ़ी को ट्रांसफॉर्मेशन हो गोटे पीढ़ी तरह अन्य एक पीढ़ी ताको कैरी करिवो एया ही होती हमर एजुकेशन नेरो सेंस ये सब पेरेंट्स को कथा मानिते टीचर्स को कथा एल्डर्स को कथा आ मेंबर ऑफ सोसाइटी ए गुडा सब जे गुडी को से फॉलो करिते बा स्टडी करिते ताको हमें नेरो सेंस कहबा तापर देखिबा वाइडर सेंस कोन रहला एजुकेशन रो वाइडर सेंस कोन रहला वाइडर बा ब्रॉडर सेंस ऑफ और वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन कौन प्रथम कथा कहती एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ता लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नुहे से लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नुहे कहीं ना आम पाठ पढ़ा पांच वर्ष आरंभ करे बर्तमान प्री नर्सरी नर्सरी आसाना पांच वर्ष आरंभ कर जिते पर्यटन ग्राजुएसन 21 ग्राजुएसन सरगला आम भाई एजुकेशन सेस आम सर्टिफिकेट पाइले बर्तमान एजुकेटेड होगा ताकि नेरो सेन्स तार ब्रॉड सेन्स कौन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एजुकेशन मैंने स्टिल डेथ ऑफ योर लाइफ तुम जीवन शेष समय पर्यटन तुम एजुकेशन को हासिल कर तुम चालू चालू जो एजुकेशन तुम काम कला जो एजुकेशन पाच तुम अन्य सहित कथा जो एजुकेशन पाच तुम खेला जो एजुकेशन पाच तुम पढ़ला जो एजुकेशन पाच एगुड़ा सब एजुकेशन हूँ गोटे गोटे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इट इज कंटिन्यू स्टार्ट फ्रॉम मदर्स होम सब मन थी यह माँ पेटर आरंभ हो इन द टोम टोम माने श्मशान श्मशान ता सरी था यह हूँ ब्रॉडर सेन्स अर्थात आम जीवन प्रति मुहूर्त शिक्षा करता अनेक जिनस प्रति मुहूर्त जो शिक्षा करता सेटा हूँ शिक्षार व्यापक अर्थ किंतु स्कूल कॉलेज रे जो शिक्षा ग्रहण करता हूँ नारा मीनिंग ऑल द एक्सपीरियंस फ्रॉम द बर्थ टू डेथ आर कम्स अंडर द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन ऑल द एक्सपीरियंस जहाँ आम एक्सपीरियंस गेन करते जन्म ठार आरंभ कर मृत्यु पर्यंत जहाँ जहाँ एक्सपीरियंस लर्न कले जहाँ जहाँ एक्सपीरियंस पाइले ही एजुकेशन बोली कहा तेणुक खाली से सर्टिफिकेट पाइले एजुकेटेड नुहे जड़े जदि जीवन मोरालीटी को बुझी जीवन तत्व को बुझी जीवन कौन जाणी एवं से अनेक कुकर्म ठार निवृत्त रोचे आम कह ब्रॉडर सेन्स ऑफ एजुकेशन एजुकेशन इज नॉट कन्फाइंड टू प्लेस अ पर्सन और स्पेसिफिक पर्पज मन रखिए सब एजुकेशन सब गोटे निर्दिष्ट प्लेस गोटे निर्दिष्ट पर्सन स्पेसिफिक पर्पज को लेकिन के प्रतिवेशित हो नए तार ब्रॉड सेन्स मैंने से अनेक जगह बुल देखिपार एजुकेशन हासिल कर जनक पर्सन नुहे समस्त पाखु से बजार दोकानी वाला पाखु एजुकेशन पाइपर तार रास्तार जाऊ बाटे ठार एजुकेशन पाइपर स्पेसिफिक पर्पज तार गोटे पर्पज रोह तार गोटे स्पेसिफिक रही पर्पजा स्पेसिफिक हम ना सब पर्पज कौन हम ना विक्षिप्त भाव हम अनेक पर्पज रोह All types of learning, formal, informal, and non-formal, come under the broader sense. Learning ta formal, formal माने हुचे तुम्हारे classroom study. Informal जोटा co-curricular activity, खेला पढ़िया पढ़िया रे तुम्हें खेली पारी वो, आ तुम्हारे सांगवाना को सही तो मिसी पारी वो, आ non-formal कौनो? जे गुड़ा का तुम्हें morally सिखुचो, तुम्हारे परिवार रू सिखुचो, जे गुड़ा का, छगुड़ा को जी non-formal. ताले formal हुचे तुम्हारे classroom study, जहाँ बहिरू तुम्हें पाठ पढ़ुचो, जहाँ study materials तुम्हें study करुचो, that is formal education. Informal education कौनो? Co-curricular activity रू तुम्हें जे गुड़ा को सिखुचो, जमीती खेलो, नाचो, गीत, गप लेखा चित्र अंकन एगुड़ा सब इनफर्माल आक्टिविटीज हो नॉनफॉर्मल आक्टिविटीज कौन ना तुम जो सोसाइट रू जहाँ शिखुचो फैमिली जहाँ शिखुचो सांग मानू जहाँ शिखुचो सेटा है नॉनफॉर्मल एगुड़ सब जीव तुम ब्रॉडर सेन्स मन रखी तापर देखा आउ कौन रहा ना इन वाइडर सेन्स ऑफ एजुकेशन व्हाट एवर एनलाइटेन आवर होरिजन डिपेंड्स आवर इनसाइट refines our behavior stimulus our thinking feeling and doing have educational value kon education kon jaha ki amo insight mane amo madhyare thiba internal quality ku se lok manan ko pakku anithae that is education refine karita amar behavior sabale behavior ku change karithae proper behavior amku dekhaithae jone educated jone shikhito ame tatu behavior proper behavior asa kariba jodi jone proper behave kor nai ebong bahut bodo education certificate paichi tale ame ta educated koi paribani e sabale stimulating or thinking e
सबले कौन करे ना स्टिमुलेट करे चिंता करिवार शैली को ग्रो करे फीलिंग भाविवार शैली को ग्रो करे एंड डूइंग हैव एजुकेशनल वैल्यू ये सबले मूल्यबोध हमको सिखैताय आ कोनो आउ ब्रॉड सेंस रे कोन लेला एजुकेशन इज लाइफ एंड लाइफ इज एजुकेशन एजुकेशन कहले जीवन को बुझाय आ जीवन कहले एजुकेशन को बुझाय द यूनेस्को कमीशन एंड ऑन एजुकेशन इन इट्स रिपोर्ट लर्निंग टू बी रिपोर्ट रे कहितला लर्निंग टू बी सिखिबा होची एजुकेशन हैज rightly laid emphasis on broader sense of education sobol mane rakhibo learn learn koribar quality ku education wade all the experience and knowledge acquired during infancy mane ma petoru arambha kariki jaha jaha knowledge paichi nishit ma petra thila bale ame keu climate sahit banchutile keu kemiti inhale korutile nijoku kemiti seti adjust kari parchanti tahai gute knowledge childhood pun childhood stage re asila pare jaha jaha janile society ku chinile katha kabe tar arambha kariki chaliba sikiba parchanta jaha jaha sob knowledge hasil kale tahai education adulthood period re society sahit misile decision nele leader कले एजुकेशन को एक्सेप्ट कले सम का आइडियल भाविले ये सब एडल्टहुड पीरियड रहता है ये भी गोटे प्रकार एजुकेशन आउ ओल्ड एज रे पहुंची साला परे ओल्ड एज रे जो तुम रिलीजियस जिनस जानवाक आग्रह होता है अनेक बही पढ़ाक आग्रह होता है ये ही एजुकेशन एजुकेशन केवे एज रो बैरियर न था एजुकेशन पाखे कहीं बुढ़ा लोक टे बेले एजुकेशन को हासिल करके सी सक्सेस पाई जाए तेरी प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम थी तेरी जेहतु आम एजुकेशन गोटे फंडामेंटल राइट तेल समस्त या ग्रहण करेंगे सब समय ग्रहण करेंगे से सरकार एप्रति जत्न था तेरी प्रौढ़ शिक्षा तुम कार्यक्रम आरंभ कर थ्रो भेरियस एजेन्सीज अनेक एजेन्सी मान द्वारा लाइक फैमिली फैमिली मध्यम एजुकेशन हासिल करूँ स्कूल एजुकेशन हासिल करूँ चर्च बा टेम्पल आम एजुकेशन हासिल करूँ प्लेग्राउंड एजुकेशन सब क्लब तुम्हारे फ्रेंड सर्किल तुम्हारे सब ये सब जगह एजुकेशन हासिल करता हूँ एजुकेशन एजुकेशन यह हूँ गोटे ब्रॉड सेंस अर्थात एत जगह एजुकेशन व्यवहार होती आम नैरो मीनिंग कह केवल संकीर्ण अर्थ रही अर्थात गोटे लिमिटेड होता हूँ अनलिमिटेड एट व्यापक भाव में कह एजुकेशन हूँ बहुत कौन सी जिनसर समाधान करता है देखा एजुकेशन आउ कौन पार्ट रहा व्हाट इज एजुकेशन एजुकेशन वर्तमान केतोटी डेफिनेशन देखा बा एजुकेशन कहले कौन बुझ मुझे आलोचना करी एजुकेशन इज ऑल टाइप ऑफ लर्निंग सब प्रकार शिक्षा को से ग्रहण कर फॉर्मल जहाँकि क्लासरूम रही था इनफॉर्मल जहाँकि सी को करिकुलर एक्टिविटीज रु सीखी खेल नाच गीत एगुड़ जो नॉलेज हासिल करता है नॉन फॉर्मल जहाँ सोसाइटी रु सीखी जहाँ परिवेश रु सीखी ही एजुकेशन कहुए एजुकेशन मे बी अंडरस्टूड एजुकेशन बुझीहब एक्विजिशन ऑफ नॉलेज अनेक नॉलेज एक्विज करवा अर्थात अनेक नॉलेज को हासिल करवा अनेक नॉलेज को एकाठी करवा अनेक नॉलेज को गैदरिंग कर सबुतक जिज्ञासु हवा जानवर इच्छा को ग्रो करवा एजुकेशन कहुए एटीट्यूड एंड स्किल्स तार दक्षता वृद्धि हम दक्षता बढ़िया द्वारा से आहुरी एजुकेटेड होता है एंड प्रिजर्वेशन एनरिचमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज से सब कल्चरल वैल्यू को ट्रांसमिट करता है ओबे कर रूल को मानि था डिसिप्लिन चली था एजुकेशन कह एजुकेशन इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बढ़िया इंपोर्टेंट डेफिनेशन मन रख एजुकेशन हूँ मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर व्यवहार परिवर्तन जदि जड़े चोरी करुच्ची से प्रॉपर एजुकेट होगा प्रॉपर एजुकेटेड होगा मन भितर गोटे मोरालिटी आसला से चोर छाड़देला चोरी कला नहीं हो तेणुकर आम जाना तार एजुकेशन हासिल करगला तेणुकर मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर जड़े जड़े था प्राथमिक अवस्था दुष्ट छात्र था छात्री था परवर्त समय जो नलेज रने प्रेसर पड़ जाए निजुक चेंज कर दिखते मैंने जो चेंज टी भितर है एजुकेशन ही चेंज करा जो चेंजेस आसूसी मन भितर शरीर भितर जो साइकोलोजिकल जो चेंजेस आसूसी बिहेवियर जो चेंजेस आसूसी आम एजुकेशन कह थ्रो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस मध्यम से चेंज हो पाए ना ट्रेनिंग ट्रेनिंग मध्यम सोशियाली सोसाइटी चेंज कर पाए जोसी मध्यम से चेंज कर पाए जमी गोटे पिला जिते छोट थाए से कौन भाषा व शब्द कही पारे ना जब गोटे घर रखा और अलग बाहर सराउंड सहित मिसेवाक दबा ना हे तो प्रपर टकिंग पावर से हर बस से कथ कही पारे ना से कौन जिन जापर ना चिन्ह पारे ना जदि आम नहीं सोसाइट सहित मिसेद सोसाइट सहित एडजस्ट करदे खूब शीघ्र से कथ कह दक्षता को हासिल करें एजुकेशन तार टकिंग पावर मध्यम टकिंग स्किल बड़ी भितर एंट्री कला जोटी सोसाइट हेल्प कला इट इज ए प्रोसेस व्वेन इट रेफर्स द एक्ट ऑफ डेवलपिंग नॉलेज यह गोटे प्रोसेस होता है नॉलेज को डेवलप करिवारे आइडिया को डेवलप करिवारे स्किल को डेवलप करिवारे वैल्यूज तुम्हार मूल्यबोध को डेवलप करिवारे एल्स और वन सेल्फ अन्य कार हो निज भितर हो ये समस्त क्वालिटी डेवलपमेंट करने को एजुकेशन कहुए मन रखिए डेवलपिंग ऑफ नॉलेज नॉलेज बढ़िया दरकार नॉलेज न बढ़िले तुम्हें एजुकेटेड हो पारना आइडियाज भितर नुआ नुआ आइडिया सब आसुवा दरकार क्यों क्यों सिचुएशन में निजुक हैबिटेट कर पारे क्यों क्यों सिचुएशन में निजुक चेंज कर पारे ये हूँ आइडिया दे था स्किल दक्ष होता दरकार तार सब स्किलफुल होता दरकार दक्षता भित्ती होता दरकार वैल्यू जो मूल्यबोध को जानवा दरकार आम समाज में जमी तुम संबल कौन से संबल को कहीं अनेसेसरी
नष्ट करिबा, समाज को किपरि आग्रह आगक नै जिबा, केमिति रिलीजियस इशू करिबा नाही, एगुडाक सब होउछि वैल्यूज, मोरल वैल्यूज। तार मोरल वैल्यूज रहिले एगुडाक सब से प्रति दूरै करैब, एवं निज भितर हो बा अन्य भितर हो, ये सब क्वालिटी को तुमर एजुकेशन कहा जाइए। तापर देखिबा आउ कोन रहिला एजुकेशन डेफिनेशन, आउ रहिला एजुकेशन होउछि एजुकेशन इज द कंटिन्यूस प्रोसेस। मुझे कही एजुकेशन मार पेट भितर थिला बेले आम एजुकेशन स्टार्ट होता है, स्टिल डेथ ऑफ डेथ आम मरवा पर्यटन मृत्यु पर्यटन एजुकेशन इज कंटिन्यूस प्रोसेस, ये केवे स्थिर रही ना। आम आज समाज में शिखिले, कल स्कूल शिखिले, तापर दिन बजार शिखिले नलेज, तापर दिन तुम खेल पड़िया शिखिले, तो जो भी नहीं सही नलेज हासिल कर एजुकेशन हासिल कर। एजुकेशन इज कनसेंट्रेट विथ द डेवलपमेंट अफ होल मैन, डेवलपमेंट अफ होल मैन मैंने कौन सर्वांगीन उन्नति हम, इच आक्ट मस्ट कंट्रब्यूट टू इट। और सर्वांगीन उन्नति मैंने कौन फिजिकाली, मेन्टाली, सैकोलोजिकाली, इमोशनाली, एगुड़ा सब जब डेवलपमेंट हो एजुकेटेड कर। इट इज conductive to good of individual as means to welfare of the society, good of individuals pratyekanko bhitare gote bhalo gun roiba dakar। It is a liberal discipline or professional course, eha gote kon hitae la liberal or discipline hitae, eha sobole tumaro liberal karae arthat flexible karae aur discipline madhya karitae। Tapar dekhiba tapar achi क्यों क्यों तुम वर्तमान एजुकेशनल एजुकेशन आउ फिलोसोफी ओरिएंटेड क्यों क्यों क्वेश्चन आसे लक्ष्य करियो। लॉन्ग क्वेश्चन कौन आसी पारे, फिलोसोफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ कॉइन, हाउ फार यू एग्री, डू यू एग्री विथ दिस स्टेटमेंट, यही कथा उपरे तुम्हें केते दूर तुम सपक्ष मतवाद दौ, जस्टिफाई बाय गिविंग एग्जांपल, एग्जांपल माध्यम से एगुड़ी आलोचना कर। तमें आम ऑलरेडी पढ़ा वर्तमान जे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसोफी, एजुकेशन विदाउट फिलोसोफी इज ब्लाइंड एंड फिलोसोफी विदाउट एजुकेशन इज इनवैलिड और लेम। से कहते एजुकेशन फिलोसोफी बिना अंध आउ फिलोसोफी एजुकेशन बिना छोटा, ये कथार तात्पर्य दि। इन द लाइट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट्स डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसोफी एंड एजुकेशन, रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसोफी एंड एजुकेशन डेमोन्स्ट्रेट इट, रिलेशन बिटवीन फिलोसोफी एंड एजुकेशन देखा, फिलोसोफी आउ एजुकेशन विषय कौन कौन संपर्क अच्छी देखा। वर्तमान देखा फर्स्ट पॉइंट देखिबा, फर्स्ट पॉइंट से कही बोथ आर इंटर रिलेटेड, एम परस्पर सहित तो इंटर रिलेटेड, इंटरनाली रिलेटेड, एम इंटर डिपेंडेंट, एम अंतर्त मान अभ्यंतर एम परस्पर उपर निर्भरशील होता है। लाइक द फ्राग्रांस एंड द फ्लावर, जमी फूल आउ सुगंध, फूल सुगंध बिना फूलर कौन सी भैल्यू न थाए, ठीक सेमती तुम फिलोसोफी बिना एजुकेशन कौन सी भैल्यू रही ना, बा एजुकेशन बिना फिलोसोफी कौन सी भैल्यू रही ना। आम जमी फ्राग्रांस कहे फ्लावर्स को बुझे था, ठीक सेमती फिलोसोफी ही तुम एजुकेशन को बुझे। बोथ गो हैंड विथ इच अदर, से परस्पर सहित बामी हैंड एंड ग्लोवस, हाथ और ग्लोव भितर जहाँ संपर्क तुम एजुकेशन आउ फिलोसोफी मध्य संपर्क। एजुकेशन एंड फिलोसोफी आर टू फ्लावर्स, दुईट फूल कथा कहुई है, वन स्टेम गोटा को तुम स्टेम कहुला बेले, टू सैड्स अफ ए कॉइन आउ कहुए फ्लावर्स अफ ए वन स्टेम, से भितर गोटे को स्टेम कहुए, टू सैड्स अफ ए कॉइन। एजुकेशन अफ फिलोसफी को गोटे मुद्रार दुईट पार्श्व कहुए, द फिलोसफी इज द थॉटफुल साइड, फिलोसफीटा हूँ थॉटफुल साइड चिंता करार विषय, अदर साइड इज एक्टिव साइड अफ द कॉइन, एक्टिव साइड अफ द कॉइन रही है। तेणुक जमी मुद्रार गोटे मुद्रार दुई पार्श्व पर फिलोसफी आउ एजुकेशन परस्पर पर निर्भरशील, से इंटर डिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड लाइक फ्राग्रांस एंड फ्लावर। फिलोसफिकल नॉलेज प्लेज द फाउंडेशनल रोल थ्रो व्हिच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एमर्ज, जो ऑब्जेक्टिव सहित एजुकेशन लगिकी रही से सबुर मौलिक तत्व आमको फिलोसफी देता है। एजुकेशन गुड़िक जो ऑब्जेक्टिव सहित संपर्कित रही जो ऑब्जेक्टिव संपर्क आसी से गुड़िकर मौलिक तत्व देता है किए ना फिलोसफी। तापर देखा तापर कौन देती केमी डिपेंडेंट होता गोटे एग्जांपल माध्यम आलोचना करवा, रोज सेड फिलोसफी एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, रोज से रोज कहते फिलोसफी आउ एजुकेशन ये गोटे मुद्रार दुईट पार्श्व। जॉन एडम्स कहते एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी, एजुकेशन हूँ फिलोसफी गोटे डायनामिक साइड। जॉन ड्यू कहते फिलोसफी इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन इन इट्स मोस्ट जनरल फेज, जनरल फेज रे एजुकेशनल थ्योरी हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट, एजुकेशन इज द लैबोरेटरी, फिलोसफिकल डिस्टिंक्शंस बिकम कंक्रीट एंड देयर एंड आर टेस्टेड, कंक्रीट एंड टेस्टेड माने कंक्रीट माने कौन जे आमको रियल फैक्ट करता है, वास्तव तथ्य देता है। तुम एजुकेशन एजुकेशन केमी फिलोसफी उपरे डिपेंडेंट से कथा जॉन ड्यू कहले, जॉन एडम्स कहले, रोज कहले। तापर देखिबा कौन अच्छी
तापर अछि पॉइंट्स हाउ फिलोसफी एंड एजुकेशन आर रिलेटेड एबे देखिबा हम एजुकेशन आउ फिलोसफी केमिति रिलेटेड अछि एजुकेशन इज फिलोसफी इन एक्शन एजुकेशन सबबेले मन रखथिबो एजुकेशन इज फिलोसफी इन एक्शन एक्शन ले ता फिलोसफी एजुकेशन इज फिलोसफी इन एक्शन एक्शन ले ता कोन फिलोसफी फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन गुटी मुद्रा रो दुईटी पार्श्व जे आलोचना कर सकथिन ग्रेट फिलोसोफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेटर्स ऑल्सो जे माने महान फिलोसोफर माने से माने ग्रेट एजुकेटर थिले जदी हमें फिलोसोफर को व्यापक सेट धरिबा ताले एजुकेशन गुटे तारो सबसेट हो बुझला ने एटा को जदी मु धरिबी हमर कोन एजुकेशन ताले एटा हबो ए सर्कलटा हबो फिलोसोफी सॉरी एटा को जदी मु फिलोसोफी धरिबी ताले ता मध्य रे एजुकेशन जीव एजुकेशन होची फिलोसोफी रे गुटे पार्ट फिलोसोफी को हमें व्यापक अर्थ रे व्यवहार करितो फिलोसोफी डिटरमाइन्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन फिलोसोफी सबले एजुकेशन नो वेरियस वे को से फाइंड आउट करथे जेमिति आर्ट गुटे वे तुमरो स्टोरी राइटिंग गुटे वे पोएम राइटिंग गुटे वे फिलोसोफी इज द बेस ऑफ एजुकेशन फिलोसोफी ही एजुकेशन नो बेस मूल तत्व होची फिलोसोफी ही एजुकेशन नो बेस होइथे तापर देखिबा तापर दउची एजुकेशन इज फिलोसफी इन एक्शन कौन एजुकेशन इन फिलोसफी इन एक्शन हमें जो आलोचना कले ब्रीफली डिस्क्राइब करवा फिलोसफी प्रोवाइड्स आइडिया हमको आइडिया देता है फिलोसफी एजुकेशन वर्क इट प्राक्टिकाली तुम फिलोसफी हमको आइडिया देता है उद्देश्य देता है आउ तुम एजुकेशन कार्य लगे देखे था फिलोसफी शोज द रोड मैप यह रोड मैप देखाए डिरेक्शन देखाए एजुकेशन विल वर्क द पाथ एजुकेशन कौन कहे आमको चलवा सिखाए तुम चल दिग देखे तेरी फिलोसफी आमको रोड मैप देखे दिए दिग देखे दिए आम केमी चलवा से बात से आमको एजुकेशन शिखे था दैट्स व्वे एजुकेशन इज द डायनामिक साइड ऑफ फिलोसफी तेणुक एजुकेशन को फिलोसफी गोटे डायनामिक्स पार्ट कह जाए रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी इज जस्ट लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन ए ब्लाइंड मैन एंड लेम मैन जहाँ आम आलोचना कर सकते गोटे अंध और छोटा सहित जमी अंध तुम बाटर चलीपर कि छोटा चलीपर छोटा टी चली पारे ना तेणुक छोटा छोटा कौन कै ना सब जिन देखे अंधर कांधे बसे आंध को फिल कै ठीक सेमती फिलोसफी कौन कै ना एजुकेशन को फिल कै केजुकेशन सुटेबुल भैल्युबुल पार्बे देखा तापर अच्छे एजुकेशन कौन एजुकेशन इज फिलोसफी इन एक्शन आम जो सेकंड पॉइंट आलोचना करते प्रथम पॉइंट गला सेकंड पॉइंट हूँ एजुकेशन इज फिलोसफी इन एक्शन फिलोसफी प्रोवाइड करे आइडिया पर्पोज एम एंड एजुकेशन आमको वर्क्स दिए प्राक्टिकली आमको काम जगे था फिलोसफी शोज रोड मैप आमको रोड मैप देखाए आमको ये चल रहा बाट देखाए एजुकेशन अलरेडी पॉइंट को आलोचना कर देखते देखा कौन अच्छी अच्छी एजुकेशन फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन जोटा को आम आलोचना करते केवल पॉइंट बर्तमान डिस्क्राइब कला कहवा एज वी नो दैट फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ कॉइन इज थॉटफुल प्रोसेस साइड और अदर साइड इज एक्टिविटी साइज प्रथम टाक प्रोसेस साइड कहला बेले अंटा को एक्टिव साइड कह गोटे मुद्रा दुई पार्श्व जमी फिलोसफी एजुकेशन को छाड़ी बंची पार्बानी एजुकेशन बिना मूल्यहीन हो ठीक सेमती एजुकेशन फिलोसफी बिना अंध हो छोटा छोटा हो ग्रेट फिलोसोफर्स हैव बीन ग्रेट एजुकेटर्स ऑल्सो ग्रेट फिलोसोफर जमी विवेकानंद गांधी राधाकृष्णन सोक्रेटिस प्लाटो एम होती ग्रेट फिलोसोफर आने बड़ बड़ एजुकेशन एजुकेशनिस्ट थे आने वेल डिग्री धारी थे फिलोसफी डिटरमाइन्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन एजुकेशन के एस्पेक्ट सब धरी थाए जमी करिकुलम रहा मेथड्स रहा टेक्स्ट बुक रहा डिसिप्लीन रहा टीचर रे एगुडा सब गोटे गोटे फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन किंतु तुम एक्टिव डायनामिक एंड प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलोसफी एगुड़िक रहा तुम एजुकेशन डायनामिक एक्टिव एगुड़ा सब है प्रैक्टिकल साइड देखा क्वेश्चन अच्छी